और मैं ये कहता हूँ कि राशि राजभर सेवा संघ का जो प्रारूप है ये महाराष्ट्र का है। अगर महाराष्ट्र में हमारे लोगों को कोई जरूरत पड़ती है तो हम पूरी उनकी मदद राशि राजभर सेवा संघ की तरफ से उनको करने का कोशिश करेंगे, चाहे हॉस्पिटल का हो चाहे पुलिस स्टेशन का हो। सर्वप्रथम राष्ट्रीय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस युवा के संत गाड़ी महाराज हाई स्कूल में युवा शाखा का पुनर्गठन इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे स्वजाति भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के केंद्रीय महासचिव भाई अखिलेश राजभर जी, कोषाध्यक्ष भाई सरवण राजभर, राशि राजभर सेवा संघ के उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई एडवोकेट दिनेश राजभर जी, राशि राजभर सेवा संघ के केंद्रीय सचिव भाई अग्रामी राजभर जी, प्रचार प्रसार के हमारे हमेशा अगले भी समय काम को बड़े अच्छे ढंग से निभाए थे, इस बार भी मौका मिला और आशा है कि वो अच्छी तरह से निभाते भी हैं। मुझे भाई महेंद्र राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी और कुर्ला के हमेशा सैदो बीच में रहने वाले कंधा से कंधा मिलाकर सैदो आगे रहने वाले भाई जयप्रकाश राजभर जी जो प्रचार प्रसार हमारे मेहंदी में प्रचार प्रसार मंत्री हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज इस ऐसे समय पर उन्होंने इस मीटिंग के आयोजन में अपना समय दिया। क्या पिताजी बनारस में बीमार हैं, बीएचयू में एडमिट हैं, पिताजी को बहन में हुआ है, आज उस घड़ी में आज यहाँ संगठन पे यहाँ हमारे साथ खड़े हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पिताजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें। और आज के हमारे नई कार्यकारिणी में जो हमेशा मेरे साथ बड़े भाई के तौर पे संगठन में और समाज में हमेशा मेरे साथ देने वाले बड़े भैया सुभाष राजभर जी जो कुंडला शाखा के अध्यक्ष हुए, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उसी कड़ी में महासचिव के जो हमेशा आप लोगों के बीच में तन हो मन हो सबसे भी खड़े रहते हैं भाई संजय राजभर जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक ऐसे शख्स हैं कुर्ला में राजेश भाई, कहीं भी जो भी जवाबदारी दे दो, चाहे हमारे कैंटीन में भी हमने देखा था जब हमारा कार्यालय बनता था हम लोग जाते थे शाम के समय में, जो भी होता था बेचारे तन मन धन से बेचारे लग जाते थे, ये नहीं देखते थे कि मुझे काम करना है कि नहीं, लाओ मैं कर देता हूँ। और हमने कई बार देखा कि उनको ऐसे हमारे कोषाध्यक्ष को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भैया राजेंद्र राजभर जी, कमलेश भाई, भाई लखन राजभर जी, हमारे पिता कुल शंभू राजभर जी, और लोगों को शिक्षा देने वाले क्लासेस चलाने वाले भाई कपिल राजभर का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के सदस्य व राजभर के जो भी सुख हो उनको अपने माध्यम से प्रचार प्रसार का राजभर चैनल के माध्यम से जो हमेशा लोगों को सजग करने वाले भाई संतोष राजभर जी, भाई अखिलेश राजभर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद। आज के इस नए कार्यकारिणी को मेरी तरफ से राशि राजभर सेवा संघ के पूरे परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों से आशा करता हूँ कि जो मन मन धन से जो हम लोगों को कहने से आपको सपोर्ट चाहिए आपके साथ से दो राशि राजभर सेवा संघ और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। आप बेहिचक से काम करिए और जहां भी जरूरत हो राशि राजभर सेवा संघ का
इसमें जरा सा भी आप पीछे होने का काम मत लीजिए। खाली ये है कि हमें काम करना अपना लक्ष्य है, पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं देखना है, और मैं हमेशा इसी में मैं अपना लक्ष्य बनाता हूँ और काम पे मैं भरोसा करता हूँ और काम करने वाले की पूजा होती है। टांग खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे कहीं लगे, उसमें आपको ये जब ये नहीं है, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि हमें किस तरह लोगों को जोड़ना है, किस तरह उनको हमारे में क्या कमी है जो मेरे पास नहीं आते, मुझे वो भी देखना। हो सकता है मेरे में कमी हो या तो संगठन में कमी हो, कुछ ना कुछ तो कमी होगी, लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए मैं आप लोगों से विशेष सहायता गठन हो रहा है। इसके बाद राशि राजकर सेवा संघ का कैंपिंग पूरी टीम और सत्ता में अध्यक्ष के तौर पे आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं हर एक संगठन में 4 महीने में लगातार दौरा करूंगा। ये मेरा विशेष एक मुहिम चलेगा संगठन के पारों को देखने के लिए कि आप लोगों ने संगठन बना लिया ऐसे नहीं है, संगठन में क्या चल रहा है, कमेटी भी रहेगी, हम लोग भी आएंगे, लोगों से एक वार्तालाप होगा, ऐसी चाय पानी पिएंगे तो लोगों को एक होगा। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि हर एक महीने में एक बैठक किया, 5 लोग हो, 10 लोग हो, 15 लोग हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप बुलाइए बैठिए, उसमें आदान प्रदान हो। और मैं ये कहता हूँ कि राशि राजकर सेवा संघ का जो प्रारूप है ये महाराष्ट्र का है, अगर महाराष्ट्र में हमारे लोगों को कोई जरूरत पड़ती है तो हम पूरी उनकी मदद राशि राजकर सेवा संघ की तरफ से उनको करने का कोशिश करेंगे, चाहे हॉस्पिटल का हो चाहे पुलिस स्टेशन का हो, और उसमें पूरी मदद देंगे हम। लेकिन कभी कभी हमारी घटना ऐसी आती है कि भैया यूपी से हैं, हम उनको भी हम मदद करते हैं, उनको भी हम लोग मदद करते हैं, लेकिन हमारी बहुत उतने तक नहीं है उत्तर प्रदेश में। आज हम महाराष्ट्र में रहते हैं, 40-50 साल से हम महाराष्ट्र की राजनीति में हैं, महाराष्ट्र में हैं, तो हम महाराष्ट्र में आपको जो सुविधा चाहिए उसमें हम लोग मदद कर सकते हैं। जब हमें मौका मिलता है कि यूपी में भैया ये हो गया, तो हम अपने कई मंत्रियों को बोलते हैं, किसी पीआरओ को बोलते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर को, उनको काम कराने की कोशिश करते हैं। 10 काम में हमारा 4 काम होता है, 6 काम नहीं होता है, उसमें भी आप लोग नाराजगी मत दीजिए कि राशि राजकर सेवा संघ ने काम किया या नहीं किया, काम होता है, लेकिन 10 काम में 4 काम होगा, 6 काम नहीं होगा। ये हमारे अभी आपने देखा होगा, मैंने हमारे सांसद महोदय आए थे सकलदीप राजभर जी, हमने उनसे भी आग्रह किया कि साहब आपको कोई भी फोन जाए तो आप लोगों का काम करिए, और हमने ये भी कहा उनको कि भाई 10 काम में 4 से काम नहीं होते तो उसमें भी नाराजगी नहीं होती, लेकिन आपको फोन उठा के काम किया करिए। तो इसी के साथ मैं ये आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि संगठन के ऊपर जो भी है, हमारा दूसरा भाई है कोई भी हो, आप लोग इसके ऊपर विशेष ध्यान रखिए कि हम लोग कैसे लोगों को जोड़ना है। लोग आके कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, तो उस पर आप ध्यान बन दीजिए। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, मेरा एक ये है कि जो गरीब बच्चे हैं, हर एक शाखा में होंगे, आप लोगों के शाखा में जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने से वंचित हैं, मेरा एक आग्रह है कि उनका एक नाम ले लीजिए, जो गरीब हैं उनको माँ बाप उनको पढ़ा नहीं सकते, तो उसका एक आध लोगों का खर्चा तो हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे। और मेरा इसके ऊपर विशेष लगाव है, बच्चे को पढ़ा के अगर वंचित है तो उसको हम लोग पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो एक आप लोग यही मुहिम चालू करिए बच्चों को एजुकेशन के लिए। और दूसरा मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भैया नजदीक आ गया है सुरेंद्र जयंती, अभी आपका 2 महीना है, आप लोगों को लोगों के बीच में मौका भी मिला है कि लोगों के यहाँ संपर्क करने के लिए आप जाएंगे, लोगों से सुरेंद्र जयंती है, चंदा मांगना है, कार्यक्रम में चलना है, और मेरी आशा है कि कम से कम 100 लोगों की यहाँ से हमारी प्लान हो, तो आप लोग उसी एक रणनीति बनाइए। और कुछ जो हमेशा आप लोगों ने सहयोग राशि दिया है राशि राजकर सेवा संघ को, मैं चाहता हूँ कि वही प्रारूप फिर से आप लोगों को मदद के तौर पर राशि राजकर सेवा संघ में आप लोग करेंगे, उससे बढ़ चढ़ कर करेंगे। ये मेरे ऊपर आप लोगों का समझ लीजिए बड़प्पन होगा मेरे लिए, और मैं ना ज्यादा बोलते हुए आप लोगों से खाली यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मुंबई जैसे में अगर कोई सुख दुख में अगर होता है तो आप लोग मुझे हिचक बताइए अपने शाखा के लोगों को। हम लोग कोई काम करेंगे ना तो वो लोग जानेंगे कि हम लोग काम करते हैं, हम लोग यहाँ मीटिंग खत्म करने के बाद लोगों की मदद नहीं करेंगे तो थोड़ी आएगा अपने पास। अब भैया का भी एक मैटर था, मैं जानता हूँ लखन भैया का, मेरे 7 इंच का मैटर था, लेकिन वो पेपर गलत था, मैंने वहां पे जिस विभाग में देना था दिया तो बोले कि यार तो है नहीं,
नहीं है, पीओ नहीं है, सब नहीं है, तो कैसे होगा? तो शायद मैं भैया को बताया था कि भैया ये सब कुछ चीजें नहीं है, लेकिन हम लोगों के कान पर जो मीटर आता है उसको कोशिश करते हैं कि उसको निपटारा हो जाए। और मैं ये कहूंगा कि भिवंडी की जो मीटिंग है, भिवंडी में जो जयंती मना रहे हैं, उसको तन मन मन से हमारी कुल्ला शाखा उसको सहयोग दे, मतलब केंद्रीय में सपोर्ट देके, और जिस तरह उसको सहयोग हम लोगों को करना है, चलना है, चीज भी रूप में आप लोगों का सहयोग वहाँ पे बड़े भारी भीड़ के तौर पर होना चाहिए। इसी तरह मैं अधिकारी को समाप्त करता हूँ। जय महाराज। जय श्री कृष्ण।